हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपको बताने वाला हूँ एग्रोनॉमी सस् विज्ञान क्लास 12 चैप्टर 10 फलों की खेती, फ्रूट्स वेजिटेबल्स, फ्रूट्स कल्टीवेशन। तो यहाँ हमारा दूसरा टॉपिक है एप्पल। तो चलो शुरू करते हैं। इसका वानस्पतिक नाम है मेलस डोमेस्टिका, कुल है रोजिएसी। उपयोगिता देखते हैं। सेब रोजिएसी कुल का पौधा है। सेब फलों का राजा कहा जाता है। यह पोषक तत्वों में अत्यंत घनी और हमारे स्वास्थ्य के लिए अत्यंत उपयोगी है। सेब में पर्याप्त मात्रा में विटामिन बी और विटामिन सी पाए जाते हैं। खनिज पदार्थों में भी यह फल पर्याप्त रूप में धनी है। सेब का सेवन हृदय, मस्तिष्क, जिगर और आमाशय को बल देता है। उद्भव। सेब के उत्पत्ति के संबंध में विद्वानों में मतभेद है। कुछ लोग यूरोप महाद्वीप तथा दक्षिणी पश्चिमी एशिया के काला सागर व कैप्सियन सागर के बीच के स्थान को सेब के मूल स्थान मानते हैं। जलवायु। सेब समशीतोष्ण जलवायु का फल है। इसका पेड़ समुद्र तल से 1800 मीटर से लेकर 2700 मीटर तक की ऊंचाई पर खूब फलता फूलता है। अतः हमारे देश में हिमाचल प्रदेश, कश्मीर की घाटी, पंजाब की घाटियों, पहाड़ियों, कुल्लू की घाटी, हिमाचल प्रदेश, कुमायों की पहाड़ियों, उत्तरांचल, नीलगिरी की पहाड़ियों और असम की पहाड़ियों पर सेब की खेती की जाती है। सेब 60 सेंटीमीटर से 200 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा वाले तथा 5 से 200 डिग्री सेल्सियस तापमान वाले स्थानों में भी सफलतापूर्वक खेती की जा सकती है। उन्नत किस्में। हमारे देश में लगभग 12,000 हेक्टेयर भूमि पर सेब की खेती की जाती है। सेब उगाने वाले विभिन्न क्षेत्रों तथा उनमें उगाई जाने वाली सेब की विभिन्न जातियां निम्नलिखित हैं, जैसे हिमाचल प्रदेश में रेड डेलिशस, पियरमैन, न्यूटन, कश्मीर की घाटी में वर्ल्डविन, ब्लड रेड, अंबरी और शिमला की पहाड़ियों में जोनाथन, रेमो ब्यूटी। कुमायूं की पहाड़ियाँ बैनोनी फनी, चौबटिया, कुल्लू की घाटी, ग्रेनी स्मिथ, ब्लेन एम ऑरेंज, नीलगिरी की पहाड़ियों पर रेड ब्यूटी, ग्लेन जिल रेड, असम की पहाड़ियों में जेम्स ग्रीव प्रिंस अल्बर्ट, डेलिस सडनी। अगेती जातियां देखते हैं। फैनी। भोजन के पश्चात खाने योग्य आकार में मध्यम गोल, दीर्घायत, मीठा और खसखसा एक अगेती उन्नत किस्म है। मध्यम जातियां। विंटर बनाना। भोजन के बाद खाने योग्य आकार में मध्यम हल्का पीला रंग जिस पर गुलाबी धब्बे पाए जाते हैं अच्छी किस्म की आकर्षक जाति है। चौबटिया स्वर्णिमा, चौबटिया अनुपम अगेती जातियां हैं। पछेती जातियां। जोनाथेन। भोजन के बाद खाने योग्य तथा साग के रूप में उबालकर तरकारी बनाने योग्य छोटा अथवा मंझोला आकार गोल और कुछ कुछ चपटा उपज में मध्यम। भूमि। सेब के लिए मृतिका दोमट भूमि अच्छी रहती है। भूमि से पानी के निकास का उत्तम प्रबंध होना चाहिए। कुछ कुछ अम्लीय भूमि सेब की खेती के लिए अनुकूल रहती हैं। खाद और उर्वरक। सेब के पेड़ के लिए निम्नलिखित विधि से खाद तथा उर्वरक डालने चाहिए। पहले साल में, पेड़ लगाने के बाद उसी वर्ष मार्च से माह में प्रत्येक जड़ के थाले में 150 ग्राम के हिसाब से कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट मिलाते हैं। दूसरे साल में प्रत्येक पेड़ के थाले में 10 किलोग्राम गोबर की सड़ी खाद डालते हैं। इसके बाद हर साल 10 किलोग्राम के हिसाब से खाद की मात्रा बढ़ाते रहते हैं। प्रवर्धन। सेब के पौधों को दो प्रकार से तैयार किया जा सकता है। नंबर एक है चश्मा बांधकर बडिंग, दूसरा है कलम लगाकर या रोपण कर ग्राफ्टिंग। सेब के बौने पौधे तैयार करने के लिए मूल पौधों
के रूप में सेब की मालिंग 9M9 नामक किस्म का प्रयोग की जाती है। चश्मा बांधकर सेब के पेड़ उन्नत करना अधिक उत्तम रहता है। सितंबर के महीने में प्रायः चश्मा बांधा जाता है। पौधे लगाना, सेब के पेड़ जाड़े के दिनों में दिसंबर से जनवरी में लगाए जाते हैं। उन स्थानों में जहां बर्फ़ अधिक पड़ती है बसंत ऋतु में भी पौधे लगाए जा सकते हैं। सेब लगाने के लिए 90 सेंटीमीटर गहरे व 90 सेंटीमीटर के व्यास के गोलाकार गड्ढे खोदे जाने चाहिए। इन गड्ढों की आपस में दूरी 6 से 7 मीटर रखनी चाहिए। सिंचाई, पौधों को अपने प्रारंभिक काल में बसंत तथा ग्रीष्म ऋतु में सिंचाई की आवश्यकता होती है। जिन क्षेत्रों में हमारे देश में सेब के बाग हैं पर्याप्त वर्षा होने के कारण लग जाने पर फिर उन्हें सींचने की प्रायः आवश्यकता नहीं होती। रोग नियंत्रण, सेब के पेड़ में लगने वाले रोग निम्नलिखित हैं, जैसे ब्यूटी ब्लाच रोग। इस रोग के लिए जुताई अगस्त से माह में इंडोफिल M45 नामक दवा का 0.25% घोल बनाकर 14 दिनों के अंतर पर लगभग 3 बार छिड़कें। छिड़काव उन दिनों करना चाहिए जब वर्षा ना हो रही हो। तने का भूरा काला और गुलाबी रोग, इस रोग की रोकथाम के लिए सर्दियों में कटाई छटाई करते समय रोग की टहनियों को काट दें। टहनी के जिस भाग पर रोग लगा हो उसे 15 सेंटीमीटर नीचे तक काट देना चाहिए। कीट नियंत्रण, वूली एफिड यह कीड़ा सेब की जड़ों तथा शाखाओं पर पाया जाता है। इसकी माहू पेड़ों पर रस चूसती है और चूसे हुए भाग पर गोल गांठे बन जाती हैं। 1 लीटर दवा को 1000 लीटर पानी में का छिड़काव करें। जड़ों के दिनों में आसपास की मिट्टी में मेटासिस्टॉक्स का 0.1% घोल 5 से 10 लीटर पानी डालना चाहिए। शीत भंडारण में रखना, फलों को शीत भंडारण में सुरक्षित रखने के लिए 0°C से 1.70°C ताप आवश्यक होता है। अपेक्षाकृत आर्द्रता 90 हो। 6 से 7 महीने तक सेब बड़ी आसानी से शीत भंडारण में रखा जा सकता है। उपज देखते हैं, सेब के एक पेड़ से लगभग 80 से 100 किलोग्राम फल मैदानों में 200 से 300 किलोग्राम तक पहाड़ों पर मिलते हैं। 1 हेक्टेयर में लगभग 250 पेड़ मिलते हैं, अतः प्रति हेक्टेयर में लगभग 200 से 250 क्विंटल सेब मैदानों में 500 से 600 क्विंटल पहाड़ों पर प्राप्त हो जाते हैं।